क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट कौन सी है? और क्या आपने दुनिया का सबसे छोटा स्नोमैन देखा है? इसी टाइप के फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5। आप यह सोचिए कि आपने दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट कहाँ देखी है और वो कितनी लंबी हो सकती है। मैं ही आपको बताता हूँ। दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट कनाडा के टोरंटो की योंगे स्ट्रीट है, जो कि लगभग 1896 किलोमीटर है, जो कि हमारा जो भारत जम्मू से चेन्नई अगर आप मापो तो वो भी 2976 किलोमीटर है, और वो उससे बहुत ही पास है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4। गाइज, हम ह्यूमन पप्पी को किस तरह से बहुत ही प्यार करते हैं और हम उन्हें कैसे बहुत ही क्यूट समझते हैं। गाइज, इसी तरह से जो हाथी एलिफेंट होता है वो हम ह्यूमन को बहुत ही क्यूट समझते हैं और वो हमें अपनी लैंग्वेज में बहुत ही प्यार भी जताते हैं। दैट्स एनिग्मैटिक। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि जो मिनेसोटा विकिंग स्टेडियम है, जो कि यूएस में है, उसे लगभग पूरा बनने में 101 करोड़ यूएस डॉलर लगे होंगे, जो कि लगभग कुछ 75 बिलियन के आसपास होता है। और जो नासा मिशन टू प्लूटो था उसका बजट ही सिर्फ 720 बिलियन डॉलर था, जिसे हम इंडियन रुपीज में 53 बिलियन के करीब मान सकते हैं। इस दोनों में बहुत ही अंतर था। दैट्स ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 2। एक ऑस्ट्रेलियन मैन जिसका नाम था डॉन विटीजी, जो कि एक फेमस ऑस्ट्रेलियन सुसाइड प्लेस के करीब रहता था, जिसका नाम था द गैप, और वो वहाँ पर 45 ईयर से रह रहा है, और उसने लगभग अभी तक वो एक 160 पीपल को सुसाइड करने से बचाया। डेट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1। क्या आपने दुनिया का सबसे छोटा स्नोमैन देखा है? तो गाइस, कितना छोटा, मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ही छोटा था। साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्नोमैन बनाया जो सिर्फ 2.7 माइक्रोन का था। और गाइस, हमारे जो हेयर होते हैं उसकी थिकनेस, गाइस उसकी लंबाई नहीं, उसकी थिकनेस 75 माइक्रोन की होती है। साइंटिस्ट ने इसे बनाने के लिए 3 सिलिका स्फीयर्स और इसका जो नोज और आर्म्स थे वो छोटे छोटे प्लेटिनम के टुकड़े थे, और उसकी जो आंखें और माउथ था वो फोकस्ड आयरन बीम्स के बने हुए थे। दैट्स गजब। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर गाइस वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को बहुत ही शेयर करना। गाइस, आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा।